बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से मिल रही है, जहां गरीबों के 1300 करोड़ बिजली बिल फ्रीज करेगी सरकार। जी हां, चुनावी साल में 13 लाख उपभोक्ताओं को लुभाने की तैयारी हो रही है। पुराना बकाया बिजली बिल माफ कर न्यूनतम बिजली दर की जाएगी तय। मसौदा बनकर तैयार, अगली कैबिनेट में पेश किया जाएगा। गरीबों और किसानों को लुभाने की तैयारी में सरकार लग गई है। बिजली बिल फ्रीज करने से किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। तो 1300 करोड़ का बिजली बिल अब सरकार फ्रीज करने जा रही है, गरीबों और किसानों को बड़ी सौगात। वैभव मेरे सहयोगी जानकारी देंगे। वैभव, अब 13 लाख उपभोक्ताओं को लुभाने की तैयारी में है, चुनावी साल है, हर पैतरा अपनाएगी सरकार, 1300 करोड़ का बिजली बिल फ्रीज होगा। बिल्कुल पारुल, 1 जून से जो मध्य प्रदेश के किसान हैं वो अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। वही जो गरीब हैं वो लंबे समय से परेशान चल रहे। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने एक फैसला लिया है विधानसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए कि करीब 13 लाख उपभोक्ताओं को जो लुभाने की तैयारी में है, 1300 करोड़ के बिजली उनको फ्रीज कर देंगी। और सीधे सीधे सरकार का मानना है कि अगर वो गरीबों को और किसानों को साथ लेती है तो साल के अंदर चुनाव होने हैं, उसको जीतने में बहुत ज्यादा मुश्किल बीजेपी को नहीं आएगी। बिल्कुल वैभव, लेकिन जिस तरह से गरीबों और किसानों को लुभाने के लिए ये मसौदा बनकर तैयार भी है, कैबिनेट में पेश भी कर दिया जाएगा, लेकिन क्या लगता है, पहले से ही इतना कर्ज सरकार के ऊपर बोझ, कर्ज के बोझ तले दबी हुई है और 1300 करोड़ का भार, और उसके बाद कई सारी योजनाएं हैं जो गरीबों और किसानों को दी जा रही है, तो क्या लगता है इस बिजली बिल से एक और भार पड़ने वाला है सरकार के ऊपर? भार तो वैसे भी लाखों रुपए का जो भार है वो सरकार के ऊपर वैसे भी सरकार ने कर्ज ले रखा है, केंद्र से ले रखा है, एडीबी से ले रखा है। तो सरकार का ये मानना है कि अगर हम अपनी सरकार बना लेते हैं तो कमाई के दूसरे संसाधन ढूंढ पाएंगे, लेकिन अगर हमारी सरकार ही नहीं रहेगी तो फिर क्या मतलब होगा इसके कर्ज का। तो इसलिए उन्होंने पहले तो सरकार की, जो सीएम शिवराज सिंह चौहान चाहते हैं कि साल के अंदर जो चुनाव होने उसमें बीजेपी की सरकार बने, बीजेपी की सरकार बनने के बाद वो सर्वहारा कि जगह जो वर्ग है उसके विकास की बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है। आप विकास की बात करते हो, विकास के लिए पास पैसा है नहीं, और अभी भी सीएम शिवराज सिंह चौहान जिस भी सभा में जाते हैं एक ना कोई ना कोई घोषणा कर ही देते। तो विपक्ष ने भी सवाल उठाया है कि पहले से ही 4000 जो घोषणा है वो आपकी अधूरी पड़ी, उनको तो पूरा कर लीजिए, उसके बाद इस तरह की घोषणा करिए। बिल्कुल, घोषणाओं पे घोषणाएं और चुनावी जुमले और जिस तरह से बात की जा रही है बिल की, ये भी देखना होगा कि कब तक सरकार करती है। बहुत शुक्रिया वैभव तमाम जानकारी के लिए।